तो यार अब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, साल में एक दो बार मूवी हमें किसी न किसी ट्रू इवेंट पर या हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिल ही जाती है। अब ये मूवीज बेशक आपको एंटरटेन ना कर पाए किसी फिक्शनल या किसी एडवेंचर मूवी की तरह, बट ऐसी मूवीज देखकर आपको नॉलेज तो बहुत ही मिलती है और इन मूवीज की छाप आपके दिमाग में छप जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पीयूष और आपका स्वागत है वीबी टॉक पर। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही एक रियल इवेंट पर बेस्ड है अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, जिसका ट्रेलर हमें कल ही देखने को मिला था। जो कहानी है पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर 1989 में हुई एक ट्रेजेडी की। बेसिकली इस मिशन में 71 माइनर्स एक कोयले की खदान में फंस जाते हैं, जिनमें से 6 की मौत हो जाती है। बाकी के बचे माइनर्स को अमृतसर के एक इंजीनियर जसवंत गिल उन्हें सक्सेसफुली बचा लेते हैं और इस मूवी में हमें यही कहानी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम इसके ट्रेलर में भी देखते हैं, इस मूवी में दिखाए गए खदान में काम कर रहे मजदूरों की जान खतरे में है। जहां एक तरफ लोगों को ये लगता है कि मजदूर मर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जसवंत सिंह गिल बने अक्षय कुमार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं मजदूरों की जान बचाने के लिए। जब मदद लेकर वो थक जाते हैं तो वो खुद ही खदान में जाने का फैसला लेते हैं। जसवंत गिल स्टील का एक कैप्सूल टाइप केस बनाते हैं जिसे माइन में क्रेन के थ्रू अंदर भेजा जाता है बाकी बचे 65 मजदूरों को बचाने के लिए। और हाँ, इस ट्रेजेडी की एक सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इस रेस्क्यू मिशन में जसवंत सिंह गिल को 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमन द्वारा सर्वोत्तम जीवन राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। अब इसका ट्रेलर था तो बहुत ही एंगेजिंग, जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। 2 हफ्ते पहले इसका एक छोटा सा टीजर भी आया था। इस ट्रेलर में कलर्स का बहुत ही अच्छे से यूज हुआ है, मतलब यार ये पूरा ट्रेलर 4K में था। और इस ट्रेलर में मतलब जो अंधेरे वाले सीन्स है उन्हें भी आप क्लियरली देख सकते हो, इसलिए मुझे इसमें कलर्स और ग्रेडिएशन तो बहुत ही पसंद आए। ट्रेलर देखने वालों के मन में ये अपना हाइप बना देता है। भाई ट्रेलर को देखने के बाद तो मेरे दिल में भी इसके लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। अब ये मूवी जिस इंसिडेंट पर बेस्ड है वो सुनने में अलग सी ही फीलिंग देता है। अब इस स्टोरी को जानने के बाद तो लोग इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर भी पाएगी या नहीं? मुझसे अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।